सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्लूडेड। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने विंडोज 11 पीसी को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। विंडोज 11 जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिसेंटली काफ़ी सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको विंडोज 11 में कुछ इशूज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक इशू था परफॉर्मेंस इशूज। मतलब यूजर ने रिपोर्ट करा है कि उनका लैपटॉप और पीसी जिसमें विंडोज 11 है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तो अगर आपके पास एक विंडोज 11 लैपटॉप है या विंडोज 11 पीसी है जिसमें परफॉर्मेंस इशूज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने विंडोज 11 पीसी को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो अपने लैपटॉप या पीसी को रिस्टार्ट करना। मतलब अगर आप अपने लैपटॉप को फ्रीक्वेंटली रिस्टार्ट करते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस इशू ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आप उसको मतलब फ्रीक्वेंटली ऐसा रिस्टार्ट नहीं करते हैं तो उसमें आप परफॉर्मेंस इशू फेस करते हैं, स्पेशली विद विंडोज 11। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको वीकली उसको रिस्टार्ट करना चाहिए या फिर एटलीस्ट अपडेट के बाद उसको रिस्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है अपने विंडोज 11 पीसी को स्पीड अप करने के लिए वो है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स को ऑफ करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स ऐप पे जाना है। तो उसके लिए आप प्रेस करिए विंडोज प्लस आई की कॉम्बो, इससे आपका सेटिंग्स ऐप खुल जाएगा। फिर यहाँ पर सर्च बार पे सर्च करिए ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स आपने क्लिक करा और यहाँ पर जो आपको टॉगल दिख रहा है इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसको आप टर्न ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरा टास्क जो ट्रांसपेरेंट था अभी ब्लैक कलर सॉलिड ब्लैक कलर का हो गया है। तो इससे आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगली चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करना। स्टार्टअप ऐप्स क्या होते हैं? ये वो ऐप्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऑन होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके सीपीयू रिसोर्स कंज्यूम करते ही है, साथ में आपको परफॉर्मेंस इशू भी दे सकते हैं। तो आपको उनको सिंपली क्या करना है, उसको डिसेबल कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आई की कॉम्बो प्रेस करना है, इससे आपको सेटिंग्स ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स पे, लेफ्ट साइड पर ऐप्स पे आना। फिर इसके आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके स्टार्टअप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख पाएंगे आपकी कुछ ऐप्स की लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐप्स हैं जिसमें हाई इम्पैक्ट है और नो इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट, ऐसे करके कुछ ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हाई इम्पैक्ट वाले जो ऐप्स हैं उनको टॉगल जो ऑफ कर दें। जैसे यहाँ पर ये है, पर जैसे कुछ तो काम के ऐप्स होते हैं उनको तो उनको डिसेबल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है, कुछ काम का नहीं है तो उसको मैंने ऑफ कर दिया। मतलब स्टार्टअप के टाइम पर कुछ काम का नहीं है। बाकी जैसे कुछ फालतू के ऐप्स ऐसे होंगे आपके, उनको भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, इसको भी ऑफ कर सकते हैं। बाकी जैसे विंडोज स्टूडियो वंडर शेयर का मतलब फिल्म होना, जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें इम्पैक्ट है इसका, इसको भी ऑफ कर देता हूँ उसको मैं। तो इससे आपको थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो है स्टोरेज सेंस को ऑन करना। स्टोरेज सेंस क्या करता है, स्टोरेज सेंस एक विंडोज 11 का फीचर है जिससे आपकी पीसी की अनवांटेड फाइल्स जो है खुद ही रिमूव हो जाती है। वो अनवांटेड फाइल से मेरा क्या मतलब है, अनवांटेड फाइल्स जैसे कि एक फाइल्स हो गई आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स हो गई या फिर आपके डुप्लीकेट डाउनलोड फाइल्स हो गई, तो ये इस फीचर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। इससे एक तो आपकी जो पीसी की स्टोरेज है वो भी फ्री होती है, फिर इसके बाद आपका जो पीसी परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगी। तो उसको अगर आपको डिसेबल करना है तो उसको कैसे, उसको आपको मतलब ऑन करना है तो उसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने पीसी का सेटिंग्स ऐप खोलना है विंडोज प्लस आई की कॉम्बो से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टोरेज सेंस। अब यहाँ पर आ रहा है टर्न ऑन स्टोरेज सेंस करके आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पर लिखा रहा है ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ स्पेस डिलीट टेम्परेरी फाइल्स एंड मैनेज लोकली अवेलेबल क्लाउड कंटेंट। तो आपकी फाइल्स को मैनेज करेगा और आपकी पीसी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। इसको आपको ऑन कर देना है और बस हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है बैकग्राउंड ऐप्स को डिसेबल करना। मतलब बैकग्राउंड ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन उसको ऑफ कर देना। अब कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में खुद ही चलते रहेंगे, मतलब उनकी कुछ सर्विसेज होंगी जो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, तो ये आपकी सीपीयू रिसोर्स कंज्यूम करती हैं और सबको विंडोज 11 में परफॉर्मेंस डिग्रेड देखने को मिलता है। तब वो क्या करना है, इन ऐप्स की जो बैकग्राउंड यूसेज उनको टर्न ऑफ कर देना है। तो कैसे होगा, आपको अपने पीसी में खोलना सेटिंग्स ऐप। अब सेटिंग्स ऐप में आप आ गए, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऐप्स पे क्लिक करना है, इसके आपको राइट साइड में क्लिक करना है ऐप्स एंड फीचर्स पे। ये करने के बाद आपको अपने ऐप्स की लिस्ट दिखेगी, आपको उसमें अपना ऐप जो है सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अमेज़न म्यूज़िक, और यहाँ पर ये आपको तीन डॉट्स दिख रहे होंगे, ये मेन्यू आइकन जो है इस पर क्लिक करना है, इसके आपको क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पे। इस पर आप गए, अब यहाँ दिख रहा है बैकग्राउंड ऐप सबमिशन करके आपको सेक्शन दिखेगा, इसमें ड्रॉप डाउन मैनेजर जो है इस पर क्लिक करना है, फिर इसके आपको क्लिक करना है नेवर पे। अब तो ये जो ऐप जो है इसके बाद ये करने के बाद बैकग्राउंड में कभी ऑटोमेटिकली रन नहीं करेगा,
और इससे आपकी जो जो पीसी कंज्यूम मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके सेव होंगे, आपकी पीसी की परफॉर्मेंस जो बढ़ेगी। तो इससे आप विंडोज 11 में अगर आपको परफॉर्मेंस इशू होते हैं तो इससे आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ऐप्स जो होते हैं आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में कुछ बैकग्राउंड रिसोर्सेज जो है कंज्यूम करते हैं, मतलब बैकग्राउंड चलते रहते हैं और सीपीयू के रिसोर्सेज जो है कंज्यूम करते हैं। तो कुछ ऐप्स ऐसे होंगे आपके लैपटॉप में जिनको आपने इंस्टॉल कर रखा है काफ़ी टाइम से, बट उनका अभी यूज़ नहीं करते हैं, तो आपने सोचा था कभी उसको बाद में यूज़ करेंगे, बट वो ऐसी खाली पड़े आपकी मेमोरी में। तो इनका आप क्या कर सकते हैं, इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इससे आपकी विंडोज 11 परफॉर्मेंस जो इंक्रीज़ होगी। तो आप इसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, आपको विंडोज प्लस आई की कॉम्बो प्रेस करना है, इससे आपका सेटिंग्स ऐप खुल जाएगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको जाना है ऐप्स पे, ये करने के बाद आपको जाना है ऐप्स एंड फीचर्स पर राइट साइड पे। फिर जैसे आपने ये करा आपको कोई ऐप्स की लिस्ट दिखेगी, जैसे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है काफ़ी सारे ऐप्स हैं मेरे यहाँ पर, जैसे अमेजोन म्यूजिक है, अमेजोन प्राइम वीडियो है, ऑडेसिटी है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, ब्लूजे है, मेरे को ब्लूजे यूज़ नहीं करता आजकल मैं, तो ये खाली मेरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। मेरे को इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, उसके अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। मैं आप अनइंस्टॉल क्लिक करूँगा फिर ये ऐप जो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इस तरह मेरी बैकग्राउंड की मेमोरी मतलब जो मेरी लैपटॉप की मेमोरी जो कंज्यूम नहीं करेगा, और स्टोरेज भी इससे फ्री होगी, और इससे मेरी जो विंडोज 11 की परफॉर्मेंस वो भी बेटर होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, आपके अपने विंडोज 11 पीसी के टिप्स एंड सजेशन ऑफ कर देना है। तो इसको करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स ऐप पे जाना है, इसके लिए विंडोज पर आई की कॉम्पस प्रेस करिए, फिर स्टार्ट मेन्यू पे सेटिंग्स ऐप सर्च करिए, उसको ऑन कर दीजिए मतलब उसको ओपन कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑफर सजेशंस ऑन हाउ आई कैन सेटअप माई डिवाइस एंड गेट टिप्स सजेशन व्हेन आई यूज विंडोज। तो आपको इन दोनों को डिसेबल कर देना है, इसको टर्न ऑफ कर देना है। तो इससे आपको जो टिप्स एंड सजेशन जो है उसको बंद कर पाएंगे, उससे आप परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी आपकी। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने विंडोज 11 पीसी की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने विंडोज़ पीसी की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है मैं ऊपर कार्ड में छोड़ दूंगा, उसको आप देख सकते हो बाद में जाकर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।